दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला का G54, इस स्मार्टफोन को हम पिछले एक साल से यूज कर रहे हैं। अब एक साल से हम ही सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स को हमने दे दिया था ये स्मार्टफोन को यूज करने के लिए, और हम भी कभी कभी बीच बीच में ये स्मार्टफोन को यूज कर लेते थे। कहे कि ये जो स्मार्टफोन है 15,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, 8GB 128GB वाला वेरियंट। और इस स्मार्टफोन का खास बात यह था कि 15,000 रुपए में ये आपको OS का भी सपोर्ट देता था। जिन लोगों को OS का मतलब नहीं है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। कहे कि होता ये है कि 15,000 रुपए में यूजुअली जल्दी OS जो है मिलता नहीं है। अमूमन आप मान के चल सकते हैं कि 20,000 से 25,000 में आपको OS जो है देखने को मिलता है, लेकिन अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, इसलिए आपको जो है 15,000 रुपए में भी इजिली और 15,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन में भी जो है OS का सपोर्ट मिल जाता है बहुत ही इजी तरीके से। अब OS होता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपका हाथ बहुत ज्यादा हिलता डुलता है वीडियो रिकॉर्डिंग में या फिर फोटोग्राफी में, तो उस केस में स्टेबल फोटोज वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हो, वीडियोज वगैरह आपको स्टेबिलिटी जो है काफी अच्छी देखने को मिलती है। बेसिकली सिंपल भाषा में यही है कि भैया आपको हिलता डुलता जो फोटोज वगैरह जो आपका हल्का सा ब्लरी टाइप का नहीं आता है, वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता। अब हम ये चीज क्यों आपको बताएं, इसलिए हम बता दिए कि 15,000 एक ऐसा रेंज है जिस रेंज में लोग ज्यादा उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि भैया OS होता क्या है, इसमें हो या ना हो से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हम थोड़ा सा OS के बारे में बता दें कि जिनको नहीं पता था उनको अभी पता चल जाए कि भैया इसका काम क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दे के बारे में कि 365 दिनों से यानी कि एक साल से ज्यादा हम इसको यूज किए हुए हो गया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मोटोरोला G54 को लेके वो कैसा हमको मिला। उससे पहले एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर आउट करना चाहूंगा कि मोटोरोला G54 का व्लॉगिंग टेस्ट भी हम बना के आप लोगों को दे दिए थे आप लोगों को डिमांड के ऊपर, और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू और कैमरा टेस्ट वगैरह वो सारी चीजें जो है मेरे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप मलिक जी करके मोटोरोला G54 लिखेंगे तो मेरी वीडियोस आपको बहुत ही इजीली तरीके से दिख जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं इसके अपडेट के बारे में कि मोटोरोला G54 में अभी तक हमको कितने अपडेट मिल गया और अपडेट आने के बाद मोबाइल का क्या स्थिति है, कैमरा में क्या चेंजेस वगैरह हुआ, परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस वगैरह हुआ, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तक बात है अपडेट के बारे में, तो इसमें दो ही अपडेट अभी तक हमको मिला है। 14 दिसंबर को पहला अपडेट आया था और एक 24 जनवरी को एक और अपडेट आया था, लेकिन अभी तक जो है इसमें आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट देखने को नहीं मिला। काफी ज्यादा लंबा वक्त बीत गया लेकिन अभी भी जो है एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं मिला। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिला है कि नहीं मिला, तो अभी तक तो नहीं मिला। और सबसे बुरी बात तो हमको ये लगता है कि जो लोग कहते हैं ना यहाँ पे कि भाई मोटोरोला का अपडेट के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे, तो वो लोग गलत नहीं कहते हैं मेरे भाई। क्या कि इसमें एक अपडेट आया हुआ भी था बीच में, जब हम इसको अपडेट कर भी रहे थे, ये हमेशा जो है प्रोग्रेस में ही दिखा रहा है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो ये एक तरह का ग्लिच है या अपडेट में जाके फंस गया है, ये हमको तो नहीं पता। क्या कि जब भी हम इसको रीसेट वगैरह भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं अपडेट करने का, तो ये प्रोग्रेस में जाके अटक गया है और ये अपडेट ही नहीं ले रहा। तो मोटोरोला अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं तो भाई इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे गलत कीजिए। कहे कि अपडेट को लेके थोड़ा सा मसला मसाइल तो आपका हो जाता है, और खास करके जो आपका बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन होता है 20,000 के नीचे जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ये वाला खेला देखने को मिलता है। और थोड़ा सा आप लोग का हेल्प हो जाए इसलिए यहाँ पे ये वाला जो वर्जन है जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये रिसेंटली आया हुआ है अभी अपडेट, इसमें ये यूजुअली प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें डे टू डे वाले यूज में जो है इसका ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कैसा है सॉफ्टवेयर का, तो उसमें हमको कोई भी तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक दो मरतबा जो है स्मार्टफोन जो है अपने आप बंद हो गया था, जो कि हमको थोड़ा सा वियर्ड लगा, लेकिन टेक्निकल भाषा में ये सब कभी कभी हो जाता है, मोबाइल फोन अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमको SSS कोई भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। 15,000 रुपए के हिसाब से अगर आप देखते हो तो इसका ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, नियरली स्टॉक एक्सपीरियंस आपको ये स्मार्टफोन में मिलेगा, कोई भी तरह का उतना ज्यादा ब्लोटवेयर वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, इतने दिनों तक यूज करने के बाद ऐसा भी नहीं कि स्मार्टफोन में पहले एड्स नहीं आते थे और अभी के टाइम में एड्स आ रहे हैं, पहले भी एड्स नहीं आते थे झूठ मूठ का और अभी भी एड्स वगैरह नहीं आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो जाते जाते इस सेगमेंट में इतना ही कहना चाहेंगे कि मोटोरोला जल्द से जल्द आप एंड्रॉइड 14 का अपडेट दे दीजिए, ताकि आप लोग ने प्रॉमिस किया था ये स्मार्टफोन में कि आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा, और काफी लंबा समय भी हो गया है ना, तो इसलिए आप लोगों को देना भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनता है। अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में कि ये स्मार्टफोन में हमको परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको MediaTek Dimensity 7020 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है 15,000 रुपए के अंदर जो है आपको इसमें UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है और LPDDR4X वाला रैम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत हार्डकोर गेमर हो और आपका बजट ज्यादा नहीं है, 15,000 रुपए के अंदर आपको कोई एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको गेमिंग वेमिंग दबा के करना है, तो आप ये स्मार्टफोन बेशक जो है यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब ये चीज हम आपको क्यों कह रहे हैं, ये चीज हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ना हीटिंग आपको ना के बराबर देखने को मिलता है, और ये चीज हमने अपने कई वीडियोज में
इसमें आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि भाई इसमें आपको हीटिंग ना के बराबर मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस स्मार्टफोन को लेकर ऐसा आपको कह रहे थे इसमें बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग होता है, लेकिन हमको इसमें ओवर हीटिंग का कोई भी तरह का शिकायत देखने को नहीं मिला। और डे टू डे वाला जितना भी तरह काम धंधा होता है, जैसे कि फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, वो सारी चीजों में भी हमको कोई भी तरह का इशू देखने को नहीं मिला। और इवन हमने जिस बंदे को ये स्मार्टफोन यूज करने के लिए दिया था उससे भी हमने यहाँ पे रिव्यू वगैरह लिया, तो उसका भी यहाँ पे जो फीडबैक था वो काफी ज्यादा अच्छा था। अब ये स्मार्टफोन की अच्छी बात ये है कि ये जो 15,000 रुपए में 5G के साथ आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट बैंड्स होते हैं वो सारे बैंड्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जहां तक बात है कनेक्टिविटी के बारे में, तो कनेक्टिविटी भी इसमें आपको अच्छा मिल जाता है। कॉल वगैरह भी हमने इसमें काफी दबा के किया हुआ, तो उसमें हमको कोई भी तरह का इशू देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ड्यूल सिम लगाने का भी जगह मिल जाता है, 3.5 के जैक भी दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की जहां तक बात है दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन को हम कवर लगा के ही यूज करते थे, इसलिए ये स्मार्टफोन मेरा काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आए। क्या कि देखिए मोबाइल फोन को आप जितना ही मोहब्बत से यूज कीजिएगा ना, वो उतना ही ज्यादा आपके साथ मोहब्बत से रहेगा। जितना ज्यादा रगड़ के यूज कीजिएगा तो उसका भी हालत खराब होगा, ये चीज आप मान के चलिए। बाकी ये स्मार्टफोन है मोटोरोला G54, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बैग के साथ आता है, लेकिन जो उसका ग्रीन वाला वेरियंट है वो हमको काफी ज्यादा पसंद है। अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे हो तो इसमें 3 कलर आपको देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक आता है, एक ब्लू आता है, एक ग्रीन वाला आता है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन वाले की तरफ जाना है। मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रीन वाला बहुत सारे लोगों को पसंद आ ही जाएगा, लेकिन अगर जिन लोगों को ग्रीन पसंद नहीं है वो ब्लू की तरफ जा सकते हैं। ब्लैक वाला थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ आता तो उतना ज्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता। बाकी इतने लंबे समय तक यूज करने के बाद स्मार्टफोन एक दो बार मेरे हाथ से गिरा भी है, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है ये तो मोटोरोला जल्दी नहीं बताता पहले के स्मार्टफोन में, लेकिन अभी के टाइम में ये अपने स्मार्टफोन में बता देते हैं कि भाई गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। लेकिन पहले का ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तो कौन सा प्रोटेक्शन टाइप है, पांडा ही प्रोटेक्शन होगा, यूजुअली यही टाइप के प्रोटेक्शन ये लोग यूज करते हैं, तो मेरे हिसाब से पांडा ही प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन मोबाइल गिरा भी था मेरा एक दो बार, तो इसका डिस्प्ले डैमेज नहीं हुआ। डिस्प्ले डैमेज नहीं होने के पीछे एक रीजन ये भी है, टेम्पर्ड ग्लास रीजन नहीं मेरे दोस्तों। कवर पहना के स्मार्टफोन को अगर आप यूज करते हो ना तो आपका जिंदगी अच्छा चलेगा, डिस्प्ले का जो चांसेस है ना टूटने का वो भी कम हो जाता है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि भाई इतना गर्मी में बैठ के वीडियो बनाते हो, बार बार एसी लगवा लो, एसी लगा लो। भाई एसी लगा लेंगे ना तो फिर आपको नया नया स्मार्टफोन का रिव्यू हम कैसे दे पाएंगे, समझिए। कुछ पाने के लिए कुछ यहाँ पे खोना पड़ता है दोस्तों, जल्दी लग जाएगा, ऐसी टेंशन नहीं है। बाकी ये स्मार्टफोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, और यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों, ये कहना पड़ेगा कि 15,000 रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट लगा। जिन लोगों को म्यूजिक वगैरह सुनने की आदत है बिना हेडफोन का, वो ये स्मार्टफोन बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है ना वो हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी जहां तक बात है डिस्प्ले के बारे में, तो IPS LCD वाला पैनल है, यहाँ पे आपको कोई भी तरह का POLED या AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया गया था। 6.5 इंचेस का फुल HD+ वाला डिस्प्ले तो जरूर मिल जाएगा, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। जहां तक बात है डिस्प्ले के बारे में, तो देखिए अगर आप लोगों को AMOLED चाहिए और मोटोरोला में ही चाहिए, तो आपको ही पता है बहुत अच्छे तरीके से कि बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको मोटोरोला में भी देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे मोटोरोला का G84 शायद लॉन्च हुआ है, उसमें आपको POLED वाला कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसका प्राइसिंग जो है अगर आप लॉन्च प्राइस में ले लेते हो तो लमसम में जो है 16,000-17,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1-2,000 रुपए लगा के आपको POLED वाला स्क्रीन चाहिए तो आप वहां पे ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 13-14,000 रुपए में कोई ऐसा स्मार्टफोन खोज रहे हो, तो मेरे को लगता है कि इसका जो डिस्प्ले है वो आपको निराश नहीं करेगा। इसमें हमने बहुत तरह के मूवीज वगैरह भी देखा था, खास करके यूट्यूब में बहुत ज्यादा कंटेंट वगैरह भी कंज्यूम किया था, तो उस हिसाब से हमको ऐसा से ज्यादा कमी देखने को नहीं मिला। कहे कि देखिए कमी हम तभी निकाल पाएंगे जब इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा होता, अभी के टाइम में इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसलिए एक फॉर मनी वाला डिवाइस तो बन जाता है। तो उस केस में अगर आप इसका डिस्प्ले को देखोगे तो वो उतना ज्यादा आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब जहां तक बात है कैमरे के बारे में, तो कैमरा इसका इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर मिल रहा है, जिससे आप मैक्रो वीडियोस भी निकाल सकते हो और मैक्रो फोटोग्राफी वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो। तो 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया, 4K का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा, 1080p का ही यहाँ पे आपको सपोर्ट दिया गया। बाकी अगर आपको कैमरा टेस्ट देखना है तो डिटेल में कैमरा टेस्ट आप लोगों का डिमांड के ऊपर हम बना दिए थे, ताकि चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है। तो बाकी यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है मेरी बोली, तो भैया हमको भी थोड़ा सा दिल में अच्छा फील कराइए, नीचे सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग इसमें दिया गया, और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों बैटरी बैकअप के मामले में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। 120 हर्ट्ज पे हमेशा ये स्मार्टफोन को हमने यूज किया है,
दबा के यूज किया है, गेम वगैरह भी हमने इसमें बहुत ज्यादा खेला था और कंटेंट कंज्यूम भी बहुत ज्यादा किया, तो भी जो है इसका एक दिन बैटरी बैकअप आराम से दे देता है अगर आप ये स्मार्टफोन को 90 हर्ट्ज में यूज करोगे। और उतना ज्यादा अगर आपका यूज नहीं है ना तो ये आपको 2 दिन तक का भी बैकअप देने का यहाँ पे संभावना रखता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि जो इसका ऑप्टिमाइजेशन किया गया है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल किया गया। बैटरी बैकअप को लेकर आपको कोई भी तरह का यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों अगर बात करें कंक्लूजन के बारे में, सीधी बात नो बकवास की, ये स्मार्टफोन हमको कैसा लगा इतने दिनों तक यूज करने के बाद। देखिए अपडेट वाला तो प्रॉब्लम नो डाउट ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। 15,000 के अंदर, 20,000 के अंदर हो या 25,000 के अंदर हो, अपडेट वाला इशू मोटरोला में देखने को मिलता ही मिलता है। इस चीज को अगर रिजोल्व कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मोटरोला का G54 एक अच्छा डील हो सकता है। बजट बहुत ज्यादा कम है, 13,000-12,000 ऐसा बजट है, तो उनके लिए ये ऑफर में एक अच्छा डील बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है, कैमरा भी अच्छा दिया गया है और साथ ही साथ बड़ी बैटरी भी दी गई है। अब अगर आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना है, अगर आपको 5G वाला स्मार्टफोन चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, पीओएलईडी डिस्प्ले चाहिए, तो यहाँ पे मोटरोला का G84 एक नया डिवाइस लॉन्च हुआ है जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 16,000 से 17,000 रुपए उसका प्राइस है, तो वो स्मार्टफोन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है मोटरोला G84, इसका अगर आपको रिव्यू वगैरह चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1,000 लाइक अगर आप लोग पहुंचा देते हैं बहुत ही तेजी से, और कमेंट अगर आप लोग 500 भी पहुंचा देते हैं तो हम अपने पैसों से परचेस करके मोटरोला का G84 का भी रिव्यू आप लोग को दे देंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।